फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? और ये तीर्था का पेड़ दिख रहा होगा आपको। तीर्था जो है वो सो रही है, और अभी जो है मैंने सुबह सुबह के आधे काम जो है वो फिनिश हो गए। अभी बस कपड़े धोना बाकी है और मेरा रूम जो है वो क्लीन करना बाकी है। जो तीर्था उठेगी तो फिर मैं वो अपना रूम जो है वो क्लीन करूँगी। तो आज रेगुलर व्लॉग आएगा, पता नहीं शाम को अगर हम कहीं जाएंगे तो आप सबको भी दिखाऊंगी, नहीं जाएंगे तो जो यहाँ का व्लॉग बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी जो मैंने स्टार्ट कर दिया है व्लॉग, अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो गए हैं सुबह के। मैं अभी बोल रही थी रात के, सुबह के 11:30 हो गए हैं। और जब भी मैं व्लॉग बनाऊँ तब पीछे से किसी ना किसी को आवाज़ करनी ही होती है। पहले जब मैं व्लॉग नहीं बनाऊँ तब कोई नहीं आता, पर जब भी मैं स्टार्ट करूँ तभी जब सब आ जाते हैं आवाज़ शोर करने के लिए। तो चलिए अभी जो है फटाफट कपड़े धो लेती हूँ, और फिर तीर्था जब उठेगी तो उससे भी मिलवाऊंगी, और फिर यहाँ का रूम जो क्लीन करना है तो वो करूँगी। ठीक है, पहले कपड़े धो लेते। तो ये यहाँ पे सारे कपड़े जो है मैंने धो लिए हैं। अभी जो है काम तो हो गए हैं, पर अभी तीर्था जो है वो उठी नहीं है, तो रूम क्लीन नहीं होगा जब तक तीर्था नहीं उठेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि कबट में जो है मेरी साइड जो है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही बिगड़ गई है, तो यही कर लेती हूँ। दिखाती हूँ आप सबको, ये देखो ये मेरा सेक्शन है जो कि बहुत ही बिगड़ गया है। तो अभी मैं इसे अच्छे से बाहर निकालूंगी, फिर अच्छे से क्लीन करके इसमें रख देती हूँ। ये तीर्था के जो चनिया चोली है वो है, उसे भी रखना है, पर अभी उसे आयरन के लिए मुझे भेजने थे तो ये सब कुछ यहीं पर भी पड़ा है अभी। तो ये देखो सामान निकालते निकालते ये निकली है तीर्था की सांता क्लॉस वाली टोपी, जो कि मुझे याद भी नहीं थी कि कहाँ पे रखी है, तो फिर यहाँ से निकली है। अभी एक और भी निकलेगा जो है, तीर्था जब छोटी थी तब हम उसे पहनाते थे, ये एप्रिन है छोटा सा, तो उसके कपड़े जो गंदे ना हो इसलिए हम ये वाला पहनाते थे, तो ये भी निकला है यहाँ से। और ये देखो यहाँ पे तीर्था के जो डांडिया है वो निकले हैं, जब भी नवरात्रि आती है तब हम लेते हैं उसके लिए, या फिर कोई और भी ले आता है, जैसे कि उसकी नानी भी ले आती है, बुआ भी ले आती है, तो ये सब कुछ निकल रहा है। तो ये देखो सब कुछ मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, सारा सेक्शन जो है वो मैं सारे कपड़े जो है वो निकाल लिए है। अभी कुछ साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, और उसके बाद ये देखो ये सारे कपड़े जो है वो अंदर रखते हैं। तीर्था पे सो रही है। ये देखो यहाँ पे ये गोली आती है जिससे जम्स नहीं होते, यहाँ पे क्या कहते हैं, कीटाणु जो होते हैं वो नहीं होते। तो ये बड़ी थी, इतनी साइज थी, ये इतनी हो गई है अभी। और ये देखो यहाँ पे रखी थी, तो ये पूरा सेशन जो है वो काला हो गया है। अभी देखती हूँ इससे निकलता है कि नहीं, तो देखते हैं, नहीं निकल रहा तो ऐसा ही रह गया। अभी कैसे निकालूं, चलो कोई बात नहीं, पहले क्लीन कर लेती हूँ फिर देखते हैं। अभी हो गया है ये क्लीन, और ये वाले जो है वो नहीं निकले, तो अभी इसमें सारे कपड़े जो लगा देते हैं।
पहले ना मैं एक काम करती हूँ, सारे ड्रेसेस अलग कर लेती हूँ और साड़ियाँ अलग कर लेती हूँ, फिर रखते हैं। तो ये देखो, जब मैंने सब कुछ निकाला तो ये जो कपड़ा है वो मिला है मुझे। ये ड्रेस का है, कुर्ता हम सिला सकते हैं इससे सलवार सूट। तो ये इसे ही पड़ा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था, आज मिला है। एक ये है, तो मैं इस दोनों को सोच रही हूँ कि सिलने के लिए दे दूँ ताकि मैं पहन सकूँ। कभी कभी ना सब कुछ पड़ा रहता है और कुछ मिलता नहीं है, जब सब निकालो तब मिलता है। मैं कब की मैं सोच रही थी कि मेरे पास एक सलवार सूट का कापर जो था, कापर जो है वो है, पर मिल नहीं रहा था, आज मिला है। तो सोच रही हूँ कि सिलने को दे देती हूँ, देखते हैं अभी फिर उसे बाजार जाएंगे तो दे दूँगी। ये यहाँ पे मैंने साड़ियाँ अलग कर ली है और ये मेरे ड्रेसेस और कुर्ते हैं कुछ, ये कुछ आयरन करने हैं तो मैंने यहाँ पे अलग निकाल लिए हैं, तो अभी मैं उसे रख देती हूँ अंदर। से मैंने लगा दिया है, यहाँ पे साड़ियाँ है, अभी आधी साड़ियाँ जो है मेरे बैग में है और ये सारे मेरे ड्रेसेस है जो कि आधे जो है अभी आयरन के लिए है मैंने रखे हैं। तो ये जब आयरन हो जाएगी तो फिर मैं इसे यहाँ पे रख दूँगी। तो कुछ इस तरह से हो गया है। तो इसके बाद तीर्था जो है वो उठ गई थी, तो मैंने बेडशीट भी मुझे चेंज करनी थी, तो ये भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दी और दूसरी बेडशीट जो थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी। और वो बेडशीट जो थी उसे मैंने धोने के लिए, वॉश करने के लिए रख दिया था ताकि वो भी वॉश हो जाए, क्योंकि कपड़े जब नेक्स्ट डे हम धोएंगे तो अगर निकाली होगी तो मैं उसे साथ ही में वॉश कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा बेड हो गया है रेडी, उसके बाद झाड़ू भी मैं लगा लूँगी। तो अभी जो है वो क्लीनिंग हो गई है यहाँ पे, अभी खाना बनाना है, तीर्था उठ गई है तो खाना बनाने जाती हूँ। तो अभी खाना बनाते बनाते देखा कि कड़ी पत्ता जो है वो नहीं है, तो मुझे दाल में जो है डालना है, तो यहाँ से ले लेते हैं। ये है हमारा कड़ी पत्ते का पौधा, जब भी हमें चाहिए तो यहाँ से हम ले लेते हैं, टूट भी नहीं रहा निकले, तो बस इतना ही चाहिए तो हम इतना ही लेंगे। दाल में ही ऐड करना है तो ले जाते, फिर धो के हम यूज़ करेंगे। तो ऊपर से लेने के बाद मैं इसे अच्छे से वॉश कर रही थी और उसके बाद मैं उसे दाल में जो है वो यूज़ करूँगी। तो आज खाने में ये प्याज की सब्ज़ी थी, प्याज और सेव उसमें लास्ट में मैंने डाली थी, अभी ये पक रही थी यहाँ पे। साथ ही में मैंने आटा भी गूंद लिया था रोटी का, तो ये भी रेडी था। यहाँ पे दी था को सेव, टमाटर टमाटर का साग खाना था सब्ज़ी, तो ये भी रेडी थी। और ये है मेरी लहसुन की चटनी जो मैंने पहले से रेडी कर ली है, और उसी के साथ यहाँ पे दाल है और चावल है। तो ये सब खाना जो है आज का था, तो सब खाना जो है वो रेडी था। ये देखो लास्ट में मेरी ये सब्ज़ी कुछ इस तरह से दिख रही है, तो बहुत ही मज़ा आया, यमी खाना था। अभी जो है वो खाना वाना सब कुछ हो गया है, बर्तन भी है वो हो गए हैं, तीर्था को अभी नहीं लाया है इसे, बस कपड़े पहनाया है, रेडी नहीं हुई है वो, शाम को रेडी होगी। अभी उसके नखरे थोड़े से आप देख लो। चलो तो अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठेंगे और तीर्था प्लीज, तीर्था को सुलाने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत लेट उठी थी, तो अभी सोएगी नहीं, सीधा रात को सोएगी। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। कपड़े जो है वो अभी सुखाने के लिए बाकी है क्योंकि तीर्था क्योंकि जो है वो धूप बहुत आ जाती है कपड़े धोने के बाद, तो फिर मैं नहीं जाती, धूप थोड़ी सी कम हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं जाती हूँ, और फिर कल सुबह की धूप भी कपड़े को खिला देती हूँ, फिर
मैं उसे कपड़े को उतार लेती हूँ ताकि धूप वाले होंगे तो कपड़े अच्छे रहेंगे, क्योंकि अभी जब सुखाएंगे तब धूप जो है वो थोड़ी थोड़ी चली जाएगी, तो धूप नहीं मिलती कपड़े को, तो इसलिए धूप दिखाना भी ज़रूरी है। तो सुबह धूप दिखा के फिर हम कपड़े को उतार लेंगे। निकलो, चलो चलो चलो, अभी मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में, नहीं इसी 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 व्लॉग में देखेंगे। अभी शाम को ब्लॉग में देखेंगे, शाम को कुछ कुछ प्लान होगा प्लान होगा तो हम जाएंगे कहीं पे। तो हम जाएंगे। थोड़ी देर मैंने मोबाइल देखा और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेती, तो फिर मेरी आँख लग गई और मैं सो ही गई। अभी मुझे याद आया कि मुझे अभी कपड़े सुखाने जाने हैं, तो अभी उठती हूँ और कपड़े सुखाने चलती हूँ। तो पहले देखो उठती हूँ, हाँ देखना है बाल, देखो बाल देखो अपने। अभी तीथा को रेडी, तीथा को अभी रेडी करना है, फिर मैं रेडी होती हूँ। तो ये है शाम का स्नैक, मुरमुरे गाठिया और उसमें वेफर डाली थी, बहुत मज़ा आया। साथ में चाय नाश्ता करके बहुत मज़ा आया। तो अभी जो है वो शाम के बज गए हैं 8 और मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होने से पहले मैंने खाना रात का जो है वो बना लिया था, उसके बाद मैं रेडी हुई थी कि बहुत गर्मी है तो फिर से ही हम पसीना पसीना सारा हो जाता है, तो इसलिए पहले खाना बना लिया फिर मैं रेडी हुई हूँ। तो अभी जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या आज के खाने में बना है, रात के खाने में। तो रात के खाने में ये देखो ठेपले बनाए थे, तीखे पराठे जो आते हैं वो हमारे पे ठेपले कहते हैं, और ये आलू की सब्जी रस्से वाली, बहुत ही मज़ा आया था रात के खाने में। तो इसी के साथ हमारा ये व्लॉग भी समाप्त होता है। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।